स्टूडेंट, दिस इज योर सिविक्स क्लास, क्लास 8. Another reason that it is important to separate religion from the state is democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religion teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, it takes state power away in the hands of those Hindus who support untouchability. Then do you think that you would have an easy task to try and change this? Even if you were part of the dominant religion group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. This member who have control of the state power might say that there is only one interruption of the Hinduism and that you do not have the freedom to interrupt this differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है. इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है. आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें. संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती हो. इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के साथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदायों के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. राज्य सत्ता पर नियंत्रण करने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. What is Indian secularism? The Indian constitution maintained that the Indian state be secular according to the constitution. Only a secular state can realize its objective to ensure the following. 1. That one religion community does not dominate another. 2. That some member do not dominate other member of the same religious community. 3. That the state does not enforce any particular religion nor take away the religion freedom of the individual. भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता रहेगा. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने सदस्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं कि 1. कोई एक धर्म समुदाय किसी दूसरे धर्म समुदाय को ना दबाए. 2. कोई लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाए. 3. राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा. इस तरह के बदलाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है. पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है. भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धर्म समुदाय के हाथ में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है. भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती. पेज नंबर 22 एंड 23 इज योर होमवर्क. इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियन इक्वली. गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल. उपयुक्त चित्र कथा पत्र में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है.
सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रथाओं या धार्मिक आयोजनाओं के जरिए किसी एक धर्म को बराबर नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन अनदर वीडियो। अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।